सन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर कर दी अपडेट में 75 साल स्वतंत्रता दिवस पर गार्डनरी चंचल में बंद कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट क्षेत्र में सुरीनाम घाट में स्वास्थ्य को लेकर स्वाधीनता जश्न मनाया गया। गार्डनरी सुरीनाम हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रयास से स्वतंत्रता दिवस पर सुरीनाम घाट क्षेत्र को पोर्ट ट्रस्ट चेयरमैन के द्वारा तत्काल 2 घंटे के लिए खोला गया। यहां पर संस्था सहित गणमान्य लोगों एवं छोटे बच्चों सहित अभिभावक ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर खुशी मनाया। संस्था ने अपने कार्यालय में भी झंडोत्तोलन एवं बच्चों में उपहार वितरण किया। प्रयास आगे बढ़ेगा सुरीनाम घाट के लिए, जिससे टहलने के लिए इस अंचलवासियों को कोई असुविधा न हो। मांग है कोलकाता पोर्ट से इस क्षेत्र को स्वास्थ्य को लेकर टहलने के लिए सुरीनाम घाट को खोल देने के लिए कोई निर्णय ले या कोई कदम उठाए। उपस्थित कार्यक्रम में बच्चों सहित अभिभावक, संस्था के सदस्य और अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद थे। मैं डॉक्टर मुख्तार अहमद परवीन हैदराबाद, इनके साथ यहाँ जमा हुए हैं और साजी साहब से बड़ी और बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि जो चीज़ें बंद थी वो आज उसके 2 घंटे की परमिशन दी गई है और आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि बाकायदा वहाँ प्रोग्राम किया जाएगा, क्योंकि वहाँ वो जो जटी जो है जो रिवर के साइड में है वो एक हिस्ट्री रखता है, तारीख है, और इस तारीख कारनामे के साथ जो बातें की गई है वो बहुत काबिल एहतराम है। और साजिद साहब की पूरी टीम उसमें जिनका नाम मुझे याद नहीं है, बहरहाल मैं आज के इस प्रोग्राम में आने के बाद ये महसूस किया हूँ कि ये पूरी टीम हेल्थ के लिए कॉन्शस है और हेल्थ के लिए बहुत काम कर रही है। जैसा कि आज अभी फ्लैग हॉस्टिंग के बाद जो है कम से कम 100 से ज़्यादा बच्चों को जो इनामात दिए गए हैं ये डिजर्व करती है। अगर आप आज के बच्चों को तैयार करेंगे तो कल यही बच्चे हमारे मुल्क के अपने कानों पर जो है जिम्मेदारी रहेगी। लिहाजा मेरी ऑल इंडिया उर्दू सोसाइटी फॉर पीस हैदराबाद की जानिब से मेरी नेक तमन्नाएं, नेक दुआएं हैं इस उम्मीद के साथ कि साजी साहब जो टीम वर्क कर रही है उसके लिए किसी शायर ने ये कहा था कि मैं अकेला ही चला था जाने के मंदिर, मगर लोग साथ आते गए, कारोबार बनता गया। और साजी साहब के अंदर एक खूबी ये है कि वो खुद अपने आप को नहीं देखते बल्कि ख्वातीन भी इनके साथ है, ख्वातीन की बड़ी टीम भी इनके साथ है। तो ख्वातीन के लिए भी ये है, मखदूम के साहब से मैं आया हूँ कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। नया इन्हीं तमाम चंद कलमात के साथ बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आज का दिन वाकई मुबारकबाद दिन है और हम इस आज के दिन को हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो सब हैं आपस में भाई भाई, अल्लामा इकबाल ने इसी दिन के लिए कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं ये हिंदुस्तान हमारा। आज तराना हिंदी यहां पे सुनाया गया और तराना हिंदी को लीड कर रही थी हमारी मैडम, आपका नाम अफसर तरन्नुम जो है समाज की वो सामाजिक कारकुन है। आप पेशे से जो है एडवोकेट हैं और आप अपने इस पेशे के जरिए मिलने तो कौम की खिदमत करना चाहते हैं और तराना हिंदी आपने जिस अंदाज से कहा था इसके लिए मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत शुक्रिया, जय हिंद। अफसर तरन्नुम जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट अफसर तरन्नुम, दया भाई, तारिक भाई, सिक्योरिटी जो हमारे हैं सभी मेंबर जितने बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, जान जी से काम कर रहे हैं, इसी वजह से 6 महीने के अंदर आगे तरक्की करी, उन लोगों का मेहनत का नतीजा है। और ये जो खुल गया है जो इम्पॉसिबल बात थी उन लोगों ने पॉसिबल किया है, अल्लाह ताला का शुक्र है। आगे भी हम लोग कोशिश करते रहे क्योंकि हम लोग का मेन मकसद है पूरे तरीके से खुल पाना, जो हम लोग सब जाते हैं एक्सरसाइज करना वो कर सकते हैं। और हमारा मोहम्मद शारिक अफजाल है और जनरल सेक्रेटरी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो है जनरल सेक्रेटरी। तो हम लोगों ने बहुत कोशिश की, 8 महीने से हम लोग करीब साल भर होने वाला हम लोगों का जद्दोजहद चल रहा है, लेकिन ये 4-5 दिन हम लोगों ने काफी मेहनत की गेट पे खुलवाने के लिए आज के परमिशन के लिए। उन लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद हम लोगों ने मेल किया,
लेटर दिया, डिपार्टमेंट में लैंड मैनेजर से मुलाकात की, उसके बाद पीए साहब से मुलाकात की, फिर डिप्यूटी सेक्रेटरी साहब से मुलाकात की, अब तमाम डिपार्टमेंट चिट्ठी दिया है, क्योंकि चेयरमैन साहब बाहर गए हुए थे, वो कल आए हैं तो हम लोगों को स्पेशल परमिशन मिला है, बहुत कोशिश के बाद मिला हम लोगों के लिए, आज खुला लग रहा है कि हम लोग आज पहली जंग जीत गए, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि संगठन में हम लोगों का नया संगठन है, हम लोगों का 6 महीना हुआ हम लोगों ने बनाया है, तो इस 6 महीने में हम लोगों ने बहुत सारा काम किया है, रिलीफ का काम किया है, जो लोग फ्लड आया तो उसमें भी हम लोग गए बाटा सामान और गरीबों को मिट्टी भी दिलवाया, बहुत सारा काम हम लोगों ने किया, वहाँ जाके संतोषपुर में काम किया, यहाँ पूरा पुष्टा मार्ट में पानी भरा हुआ है, संतोषपुर है, अमृतनगर है, इन सब रिलीफ का काम हम लोग 3-4 बार कर चुके हैं, उसके बाद राशन का सामान हम लोग यहाँ करते ही रहते हैं और जो भी होगा हम लोग आइंदा करते भी रहेंगे, ये कोई हम लोग को कोई सरकारी तरफ से कोई मदद नहीं मिलता है, जो भी हम लोग अपने तरीके से कलेक्शन करके करते हैं। मेरा नाम दयाशंकर शाही हूँ, हम इस ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट, हम लोग आजाद हुए ठीक उसी प्रकार हम लोग गवर्नमेंट लॉकडाउन के बहाने हम लोग सूर्यनाम घाट है जो बंद कर दिया था उसमें हम लोग को 2 घंटे का परमिशन मिला, आज आजादी मिला, हम लोग अभी वहाँ पर अपना कर्तव्य दिवस मना के आए हैं और आशा करते हैं कि हम लोग का आजादी कोई किसी से नहीं छीनेगा, सब आजाद है, चाहे वो किसी भी कौम का हो, सब आजाद।